केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी रांची पहुंचे थे और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको मूल मंत्र दे रहे थे। फिलहाल देखिए आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करना है इसको लेकर बीजेपी जो है लगातार रणनीति बना रही है। देखिए इस वक्त हमारे साथ रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ मूल मंत्र जो है वो अमित शाह की ओर से दिए गए हैं, क्योंकि आपने सुना कि अमित शाह का स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन की है। देखिए इस वक्त हमारे साथ सीपी सिंह मौजूद है, हम बातचीत करेंगे कि आखिर कितना ऊर्जा मिला इसके साथ ही क्या कुछ मूल मंत्र फिलहाल दिए गए हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ सीपी सिंह मौजूद है, रांची विधायक है, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त धुरवा पहुंचे थे क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है आज राजधानी रांची पहुंचे थे। इसके साथ ही जो असम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा वो भी पहुंचे हुए थे। रांची विधायक सीपी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कई मूल मंत्र जो है वो आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, किस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है और क्या कुछ मूल मंत्र दिए गए हैं? अरे आपने तो सुना ना, आप जिस बात को सुना उसी बात को हमसे पूछना चाह रही हैं। नहीं, आप लोगों ने क्या सुना ये हम पूछना चाह रहे हैं। ये सुना, संकल्प लिया, हमारे कार्यकर्ता 5 साल काम करते हैं और जब हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आकर के जब उन्होंने उत्साह भरने का काम किया है तो सारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जाकर गांव-गांव गली-गली जाकर और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएंगे। केंद्र की सरकार ने जितनी योजनाएं दी है, जितना पैसा दिया उसके बारे में बताएंगे और साथ ही इस भ्रष्ट सरकार के कारनामों के बारे में बताने का काम करेंगे। जब दिग्गज नेता थे ऊर्जा कितनी मिलती है? अरे आप तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, ऊर्जा मिलती है कार्यकर्ताओं के लिए क्या है भाई, कार्यकर्ता के लिए तो उसके बड़े नेता जब आ करके और जब इस तरह के वातावरण का निर्माण करते हैं, अपने सभा के माध्यम से जब संबोधित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का नव संचार होता है। तो देखिए इस वक्त रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद थे जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कई मूल मंत्र जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही साथ किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है इसको लेकर भी अमित शाह कहीं ना कहीं अपनी बातों को तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल देखिए ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन और भी कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर अमित शाह का जो झारखंड दौरा था राजधानी रांची में उन्होंने सभा को संबोधित किया, क्या कुछ उन्हें समझ में आया और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करना है। फिलहाल कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।